हो गई। वार्ड नंबर 9 से बात करते हैं हम, गरीबाबाद मोहम्मदी मस्जिद, खानजी हाउस की गलियां, नेशनल बैंक, गुजराती महिला, डॉक्टर मदद की गली, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की गली, मेहरान अस्पताल रोड से तालका अस्पताल रोड, पुलिस स्टेशन शामिल है और इसकी आबादी है 2895। वार्ड नंबर 9 में डॉक्टर साजिद मदद अली खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, अरशद अली MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं, मोहम्मद शफीक कायम खानी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस वार्ड में यू तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है क्योंकि डॉक्टर साजिद मदद कायम खानी साहब इनका अपना एक काफ़ी असर और रसूख है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तीर पर वो इंतखाबात लड़ रहे हैं और इससे पहले वो कामयाब भी हो चुके हैं। मेरे सारे तज़िये में एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि जो पहले से जीत चुके हैं और उन्हें मैं ज़्यादा समझता हूँ कि उनके चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो पहले कामयाब हो गए हुए इन्हीं हल्कों से, उन्हें ज़्यादा पता है कि इनके इलाकों के मसाइल क्या हैं और लोगों ने उन पर इत्माद का इजहार किया है। बहरहाल इनके सामने इस इलाके में, इस आबादी में, गरीबाबाद में यहाँ पर MQM पतन का निशान जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और अगर हम बात करें तो मोहम्मद शफीक कायम खान जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और मैंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार अपसेट कर सकते हैं किसी भी वार्ड में, तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप इनकी कंपेन डोर टू डोर इनकी कंपेन है, बड़ी खामोशी से कंपेन कर रहे हैं लेकिन कंपेन बहुत टफ़ कर रहे हैं। MQM जो है इस वार्ड में थोड़ी सी खामोश नज़र आती है अभी तक, तो अब जब तक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में अगर MQM एक्टिव होती है तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन फ़िलहाल जो आज़ाद उम्मीदवार शफीक कायम खानी और साजिद कायम खानी साहब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं दोनों उम्मीदवार, लेकिन MQM का निशान जो पतंग है उसकी अपनी एक अहमियत ज़रूर है। इस हल्के में जो वोट बैंक है वो इन पार्टी का वोट बैंक मौजूद है, लेकिन फैसला आवाम ने करना है और इलेक्शन और पोलिंग वाले दिन ही करना है।